हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और भगवान से मैं कामना करता हूँ आप हमेशा हेल्दी, फिट, फाइन, यंग रहें। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो करियर को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आज हम 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हमें सबको कोई ना कोई हैबिट्स होती हैं जो खुद हमें पता नहीं होती। सो, हमने अब एक चीज़ सीखनी है, प्रोडक्टिव हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स ऐसी बनाएं जो प्रोडक्टिव हों। कई बार हम कहते हैं जी मेरी हैबिट ये है, मेरी हैबिट वो है, और कई हैबिट्स ऐसी भी होती हैं जो उल्टा हमारे समय को किल करती हैं, हमारे करियर को पीछे धकेलती हैं। अगर हम खड़े हुए हैं या कामयाब भी हैं और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, तो दोस्तों याद कीजिए, ये दुनिया आगे बढ़ रही है, सब लोग अपना बिजनेस, अपने सिस्टम्स आगे बढ़ा रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। सो, हमें हैबिट बनानी है, प्रोडक्टिव हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो कुछ ना कुछ काम आए हमारे, हमारी ग्रोथ में, हमारे करियर को आगे बढ़ाने में। जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहना है। वी नीड टू लर्न, वी ऑलवेज नीड टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, राइट? हमें अपना सर्कल भी, अगर हमें लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, हमें हमेशा नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, हमारे विचार नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव डिस्कशन भी एक हैबिट है और यह सबसे डेंजरस हैबिट है। सो, हमें हैबिट बनानी है। हम अपना चाहे सर्कल चेंज करना पड़े, हमारे आसपास के लोग, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, मेरा तो ऐसे हो गया, तो हम थोड़ा उनसे दूरी बना लें। हम फोकस करें प्रोडक्टिव पॉजिटिव हैबिट्स के ऊपर। ऐसे लोगों के साथ बैठें, ऐसे सर्कल में बैठें जो बड़ी बातें करें, जो अच्छी बातें करें, जो ग्रोथ की बातें करें, राइट? सो, पहला पॉइंट प्रोडक्टिव हैबिट्स। अब सेकंड क्या है? अगर हमें ग्रोथ चाहिए, अगर हम चाहते हैं हम करियर में बहुत आगे बढ़ें, तो देखिए, अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो फिर दोस्तों रिजल्ट्स भी वैसे ही रहेंगे जैसे हमें पहले मिल रहे हैं पिछले कई सालों से। अगर हम खुश हैं तो खुश रहेंगे, परेशान हैं तो परेशान रहेंगे। अगर हमें और आगे बढ़ना है, हमें बहुत खुश होना है, करियर में सेटल होना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। सो, फर्स्ट चेंज क्या है? आप अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को ग्रो करना चाहते हैं, तो पहला चेंज लोगों में कहाँ से उनको नज़र आएगा? वो नज़र आएगा आप में से। आप अपने आप को चेंज करें। खाली कपड़े बदल लेने से, कपड़े चेंज कर लेने से भी चेंज नहीं आता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम सिखाते हैं कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सी टाई अगर आप पहनेंगे तो वो गलत लगेगा, लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन गलत जाएगा। कौन से रंग का कोट हो, कौन सी टाई हो, कौन सी शर्ट हो, कैसी बेल्ट हो, कैसी पैंट हो, कैसे शूज़ हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके कपड़े देखकर अगर कोई व्यक्ति कहता है अरे यार ये क्या बना हुआ, तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें कपड़े कैसे क्या पहनने हैं वो तो सीखना ही है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है हाउ टू कैरी अवर सेल्फ। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप खाली कपड़े चेंज कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? हाउ यू कैरी योर सेल्फ, कपड़ों से भी इम्पॉर्टेंट। सो, दोनों चीज़ें हमने सीखनी है। पर्सनैलिटी, हाउ यू बिहेव, आप लोगों को रीड कैसे कर पाएं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज आप देखते ही समझ पाएं कि हाँ ये पर्सन ये कह रहा है, आप उसके दिल की बात समझ पाएं, आप अपनी बात उसको समझा पाएं। 90% टाइम हम अपनी बात सामने वाले को कह तो देते हैं पर वो मानता नहीं, वो समझ नहीं पाता। तो यहाँ क्या होता है, पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट होता है। उसका माइंडसेट कुछ और है, हमारा कुछ और है, हम डिसएग्री कर जाते हैं, बहस शुरू हो जाती है। तो जिस कस्टमर के साथ बहस होगी दोस्तों, कभी नहीं आएगा आपके पास, वो कहीं और चला जाएगा। तो आपका बिजनेस धीरे 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 ऐसे ख़राब होता है। सो, हमें अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना है। कभी नेगेटिव नहीं होना, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कभी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना। आर्ग्यूमेंट हो भी जाए, आपको पता है आप सही हैं, सामने वाला गलत है। मेरी एक हैबिट है, मैं क्या कहता हूँ सामने वाले को, ओके हो सकता है शायद, कोई बात नहीं, इसको गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, मुझे और सीखने का मौका मिलता है, प्लस सामने वाला जब गूगल पे पढ़ता है वो कहता है हाँ ये तो ऐसे ही है, फिर वो कहता है हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हो, हाँ चलो कोई बात नहीं। पॉइंट को वहीं छोड़ देना है, हीरो नहीं बनना कि बस मैंने कहा था तो यही बेस्ट हो गया, तो यही प्रूव करना। अपने पॉइंट्स को प्रूव मत कीजिए, लर्निंग मोड में रहिए। हमारा पर्पस बहुत आगे बढ़ने का है, राइट? सो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ऐसी हजारों टिप्स हैं जिसके ऊपर हम आपको पूरी डिटेल ट्रेनिंग्स देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में, इन्वेस्ट बैक इन टू योर बिजनेस। बहुत बार ऐसे होता है हम पैसे कमाते हैं, अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, या कहीं उनको सेव कर लेते हैं, या कहीं छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं।
यू नीड टू इन्वेस्ट बैक इनटू योर बिजनेस। ये बहुत बड़ा रूल है। पुराने ज़माने के भी जो बिजनेसमैन हैं, आज से सदियों पुराने भी, वो इस बात को मानते हैं कि आपने जो कमाई की है उसको खा पी कर या कहीं छोटे मोटे सेविंग में लगा देना, इट इज़ ओके, बट उसको कुछ परसेंटेज बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप स्टिल हैं तो याद रखिए, आप खुश हो सकते हैं पर दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। 5 साल के बाद यू विल रियलाइज कि आप पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। सो दुनिया के साथ चलने के लिए, बहुत फास्ट मूविंग वर्ल्ड है अभी, तो आपको साथ चलने के लिए अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, जिसके लिए यू नीड टू इन्वेस्ट बैक सम मनी, सम टाइम, सम एनर्जी एंड सम एफर्ट्स। उसके लिए भी बहुत सारे आइडियाज हैं, पूरी डिटेल ट्रेनिंग्स हैं, 50-50 स्लाइड्स की ट्रेनिंग है, वी विल शेयर इट विद यू। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने बिजनेस में लगा रहता हूँ। आपको चेक करना है आप अपने बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या वो एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या वो एक्टिविटीज जो हैं वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं या आपका टाइम किल कर देती हैं। कई बार हम अपना टाइम पता ही नहीं चलता, मोबाइल पकड़ते हैं, कुछ भी खुल जाता है, किसी का मैसेज देख लेते हैं, किसी दोस्त का, किसी टीम मेंबर का, किसी मैनेजर का, उसी में ही बिजी हो जाते हैं, उसी को ही सोचते रहते हैं। आपको अपने आप को अपने मोबाइल सोशल मीडिया से थोड़ा सा ना गैप बनाकर भी रखना है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है वो टाइम किलर भी है। आज के ज़माने में हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं, सोशल मीडिया कैसे बनाएं, कैसे ग्रो करें, सब कुछ है ना। तो मैं तो इन चीज़ों में पिछले कई सालों से डील करता हूं, तो आई नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, ये हमारा टाइम भी किल कर देता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आप सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, या कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ आपका टाइम खर्च हो रहा है सोशल मीडिया पे, कि आप सोशल मीडिया खोलते हैं किसी की भी फोटो, वीडियोस, रील्स, वो देख देख कर, ठीक है, इंस्पायर होने के लिए, सीखने के लिए, मोटिवेट होने के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको उतना यूज़ करें। दिन में आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, अगर आप कहें कि मैं सुबह उठने के टाइम पे मोबाइल पकड़ता हूँ, रात को 2 बजे तक मोबाइल पकड़ के बैठा रहता हूँ, तो इतनी ज़रूरत किसी को भी नहीं है मोबाइल पकड़ने की। सो वी नीड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपको डिसाइड करना है, आपको चेक करना है आपके बिजनेस में किस चीज़ की नीड है, आपके टाइम का मेजर पोर्शन जो है वो वहाँ लगना चाहिए। बाकी इसके लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, सबके पास 24 घंटे हैं। कुछ लोग उन 24 घंटों में कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ लोग, पीपल लाइक एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ऐसे हज़ारों लोग जो हैं वो उन्हीं 24 घंटों में पूरी दुनिया में है ना कमाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। तो मतलब उनके पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिससे वो टाइम मैनेज करते हैं, उन्हीं 24 घंटों को वो इतना बड़ा कर लेते हैं, उसके अंदर इतनी आउटपुट निकालते हैं और इतना पैसा कमाते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैंने सीखी हैं बहुत सारी कंपनीज में। आई रिमेंबर मेटलाइफ में जब मैं काम करता था, अमेरिका की सैकड़ों साल पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 140 साल होने वाले हैं कंपनी को, उनके पास इतनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आई रियली सैल्यूट कि किस लेवल की उन्होंने ट्रेनिंग्स दी। वो सारी चीज़ें डिटेल में भी हैं हमारे पास, वी विल शेयर इट विद यू इन नेक्स्ट ट्रेनिंग्स। आप डिटेल जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप टाइम मैनेज कर लें अपना, आपको पता चल जाए कि आपके पोटेंशियल वर्किंग आवर्स कितने हैं दिन में, ये नहीं कि सुबह इतने बजे ऑफिस पहुँच गए, शाम को वापस आए तो मैंने इतने घंटे काम कर लिया, उन घंटों में, उन 7-8 घंटों में आपने पोटेंशियल वर्किंग कितनी की, आउटपुट कितनी निकली। सो हमें अपनी आउटपुट को मेजर करना है। आउटपुट को मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, आजकल तो सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे आते हैं। वी विल गाइड यू कि क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट आता है, कुछ काम जो है आप स्टडी करें, कौन कौन से काम आप करते हैं, कौन कौन से काम आपको करने हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए, फिर आप उनमें से कुछ काम जो हैं वो डेलीगेट करें दूसरों को। सब कुछ आप खुद करना चाहेंगे, पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हों, और हो सकता है सारी चीज़ों के लिए टाइम ना रहे, तो कुछ ना कुछ काम आपके लटकते रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे, या कुछ क्रिएटिविटी कम होगी उनमें, तो कुछ चीज़ें ना होने की वजह से आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि हम कुछ काम डिसाइड करें कि ये काम मैं करूँगा, ठीक है, तो फिर आप उसको करें टाइम के अंदर।
कुछ काम दूसरों के लिए कि ये काम फलां पर्सन करेगा, ये काम फलां टीम करेगी, ये काम ऐसे होगा, ये काम हम बाहर से कराएंगे, उन कामों को वैसे ही करें। सबकी ड्यूटीज, सबके काम फिक्स होने चाहिए। काम को करने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो टेक्निक्स चाहिए, वो सारी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि उसके अलावा हमें फ्रस्ट्रेशंस होती रहेगी, टेंशन होती रहेगी, क्योंकि काम तो निपटेंगे नहीं और हम सोचते रहेंगे काम पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। सबसे पहले हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, राइट। सो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आज हमने आपको बताए हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिव हैबिट्स, देन वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ, और चेंज में सबसे पहला चेंज क्या लाएंगे, जो थोड़ा विजिबल हो, लोगों को भी नज़र आए, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक कोट लो, एक शर्ट लो, पहन लो, पर्सनैलिटी चेंज हो गई। नो, कई बार हम कहते हैं कि यार ये पर्सन जो है ये सबके साथ ऐसे करता है, ये सबके साथ इसकी बहस हो जाती है, ये झगड़ा कर लेता है, ये बस में जाएगा वहां पे भी झगड़ा कर लेगा, दुकानदार के पास जाएगा तब भी झगड़ा कर लेगा। और कई हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हम कहते हैं यार इस फ्रेंड को लेके चलते हैं, ये बार्गेनिंग बड़ी अच्छी करता है, ये 2 मिनट में शोरूम वाले का फ्रेंड ही बन जाता है और जो चीज़ होती है वो इसको डिस्काउंट पे मिल जाती है। ऐसा क्यों? उसके पास मे बी उसने अपने पेरेंट्स से, मे बी अपनी स्कूलिंग से या किसी एजुकेशन से या किसी कंपनी से उसने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो गई, वो लोगों से बात कर पाता है, वो लोगों से मतलब नेगेटिव बात नहीं करता, उसका ओरा पॉजिटिव हो चुका है। जब वो बात करता है सामने वाला उसकी बात सुनता है और खुश होता है और कहता है सही कह रहे हो भैया, चलिए आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सो वी नीड टू लर्न पीपल स्किल। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कपड़े नहीं होते, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप क्या है, आपका माइंड क्या है, हाउ यू बिहेव एक्चुअली, है ना, आप दूसरों को कैसे रीड करते हैं, वो क्या कहना चाहता है, आप उसकी बात कैसे सुनते हैं और आप उसको फिर क्या आंसर देते हैं, राइट आंसर, जिससे वो आपका दुश्मन नहीं, वो आपका फैन बन जाए, फिर बिजनेस में ग्रोथ होती है। फिर जब आप किसी से बात करते हैं वो कहता है वाकई आप सही कह रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें, बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर, आई हैव अराउंड 300 स्लाइड्स, जिसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं, क्योंकि लाखों रुपए लगते हैं MBA करने में, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, वहां पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, वहां ऐसी चीज़ें सीखने को मिली, तो उन ट्रेनिंग्स की वैल्यू अगर मैं करूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज की, तो वो लाखों रुपए है। बट मेरा सपना है, मैं मिडिल क्लास से हूं, मेरा सपना है मैं सबको फ्री में ये ट्रेनिंग्स दूं, ताकि ऐसे लोग जो शायद ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स, वो भी ये चीज़ें सीख पाएं, ग्रो कर पाएं। सो हमारा मिशन है सबकी हेल्प करना, इसी मिशन के साथ मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्ट बैक, देन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एंड देन डेलीगेटिंग सम वर्क एंड ड्यूटीज। ये सारे पॉइंट्स पे अगर आप पूरा प्रॉपर फोकस करते हैं, आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे हमने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, कमाल कर दिया है बिजनेस में, जो भी फ्रेंड्स ट्रेनिंग्स प्रॉपर फॉलो करते हैं 100%, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ चल के अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की जो है उनके जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलके समाज की भी सेवा कर पाएं, दूसरों के बारे में भी कुछ हम सोचें। जब हम डिसाइड करते हैं कि कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ पेरेंट्स के लिए और दूसरों के लिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, राइट। सो ऐसी बहुत सारी और ट्रेनिंग्स, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और सबसे बेस्ट चीज़, ये सारी ट्रेनिंग्स जो लाखों रुपए की, जिनकी वैल्यू है, हम चाहें तो लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं, इतने रुपए का कोर्स, इतने की ट्रेनिंग, मैं सारी फ्री में ट्रेनिंग्स देना चाहता हूँ। सैकड़ों ट्रेनिंग्स की जो है मैं कर चुका हूँ पास्ट में, पिछले ऑलमोस्ट टोटल मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो 20 साल का है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, सक्सेस आइडियाज, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स, डेली एक्शन प्लान्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं ये बहुत सारी, ये सारी आपको फ्री में सीखने का मौका मिलेगा। सो आप जस्ट डिसाइड कर लीजिए, मेहनती ईमानदार लोग आपके पास आएं, आप अपने बिजनेस को एथिक्स के ऊपर बिल्ड करें, तो बिजनेस डेवलपमेंट, डूज एंड डोंट्स इन द बिजनेस, स्टार्टअप स्किल्स, हेल्थ टिप्स भी बड़ी प्यारी प्यारी, कंज्यूमर बिहेवियर, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, दूसरों की डेवलपमेंट कैसे करनी है, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स जो पिछले 12 सालों में मैं हजारों लोगों को दे चुका हूँ, हजारों लोग उसका फायदा ले चुके हैं, वो सब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वो भी फ्री में। सो गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, ताकि हम इस मिशन को कि हेल्प अदर्स, है ना, दूसरों की मदद हम करने के लिए
ये ट्रेनिंग्स जो है लाइव लेकर आ रहे हैं ताकि सभी लोग इनका फायदा ले पाएं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाएं। गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून।